Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंबई का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश में भले ही दावे किए जा रहे हो कि हालात अच्छे हैं, अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन है, बेड है, जीवन रक्षक उपकरण मौजूद है, मगर उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार किसी से छिपी नहीं है। हालात बहुत बिगड़े। फिरोजाबाद के बीजेपी विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए, साथ ही उनकी बीवी संध्या भी पॉजिटिव पाई गई थी। इनको पहले फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, मगर विधायक रामगोपाल की तबीयत ठीक होने पर उन्हें छुट्टी मिल गई। वहीं उनकी पत्नी संध्या की तबीयत बिगड़ने पर 7 मई को उन्हें आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। विधायक रामगोपाल के अनुसार उनकी बीवी को 3 घंटे तक जमीन पर लिटाए रखा गया। जिला अधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उनकी बीवी संध्या को बेड मिला। वहीं बीजेपी विधायक राम गोपाल ने हेल्थ सिस्टम को फेल बताते हुए कहा कि उनकी बीवी के हालात कैसे हैं इसकी कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। विधायक राम गोपाल की माने तो अच्छी तरह से इलाज उनकी बीवी को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सूबे के विधायक की पत्नी को जमीन पर लिटाना पड़ा तो आम जनता का क्या हाल होगा। बीजेपी विधायक राम गोपाल ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में देखो। मैं राम गोपाल पप्पू लोधी विधायक जसराना, मैं आज आप सब लोगों को अपनी ब्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या लोधी SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी। वहाँ उसी जमीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया है, यहाँ से ले जाके। जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जगकर पूरे प्रदेश के हालचाल ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने बहुत धुंधली की भूमिका निभाई है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। पीछू ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अब मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पता नहीं अभी भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। 3 दिन हो गए अभी हमें कुछ जानकारी नहीं दी है। धन्यवाद।